हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश सिंह और मैं इस समय दिलीप जी गुलाटी बॉलीवुड के बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं। उनके बेटे की शादी है, उसमें तमाम बॉलीवुड के लोग यहाँ शिरकत कर रहे हैं। वैसे ही बॉलीवुड के मशहूर हीरो संजय जी पटियाला मेरे साथ है आज इस विषय पे बात करने के लिए। दिलीप जी गुलाटी के बेटे के शादी में आए हुए संजय जी, बहुत बहुत पहले तो बधाई आपको, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवसर पर शादी के? बहुत बहुत धन्यवाद हमसे क्वेश्चन करने के लिए अखिलेश जी को, और बहुत अच्छा लग रहा है इस माहौल में आपके साथ वन टू वन बात करने का। पहली बार मौका मिला आपके साथ, जैसे लोग इंडिया टीम उनका इंतजार करते हैं उसी तरह मैं आपका इंतजार कर रहा था। और बहुत खुशी की बात है, आज भरत गुलाटी जी का शादी है, जिनके पिताजी दिलीप गुलाटी जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छे बॉलीवुड के मजे हुए डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। कोमल भाभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बड़े फंक्शन में मुझे बुलाने के लिए, और मैं चाहता हूँ कि दोनों का जीवन बहुत खुशहाल रहे। लोग सात जन्मों के लिए हमेशा शादी करते हैं कि सात जन्म तक साथ रहेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब जितना जन्म ले साथ में दोनों फिर से आए। संजय जी, मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि संजय जी अपना दिलीप जी गुलाटी को आप बहुत ही करीब से जानते हैं, कोई उनकी इस शख्सियत के बारे में अगर कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों को तो कुछ शेयर करना चाहेंगे। दिलीप जी गुलाटी क्या करते हैं, क्या शख्सियत है इनकी? जब मैं दिलीप गुलाटी से मिला तो उससे पहले इनके बारे में सुना था कि छोटी मोटी फिल्में बनाते हैं बॉलीवुड में और फिल्में कुछ अच्छी नहीं है, लेकिन जब जुड़ा इनसे तो बहुत नेचर है, बहुत अच्छे आदमी हैं। और इन्हें सिर्फ छोटे मोटे बॉलीवुड सीने शाहरुख सलमान आमिर सब जानते हैं इनको पर्सनली, शाहरुख खान के हो या सलमान खान के सब इनको पर्सनली जानते हैं, उस टाइम से फिल्में बनाते रहे हैं, इसलिए नहीं, बाय नेचर ही बहुत अच्छे इंसान हैं। और इनके पूरा इनके जो पिताजी हैं वो भी सिनेमा लाइन से जुड़े हुए थे, और इनकी जो वाइफ यानी मेरी भाभी है वो भी एक बहुत बड़ी मॉडल थी और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया है। तो एक बोलते हैं ना फैमिलियर माहौल बना हुआ पूरे इंडस्ट्री में। इनके जो बेटे हैं भरत जी, जो काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, दुबई में रहते हैं और इंडिया में अपना शादी कर रहे हैं धूमधाम से, और हमारे जैसे काफ़ी दोस्त हैं जो उनके शादी में सम्मिलित हो रहे हैं। दिलीप जी गुलाटी की बात करें तो बॉलीवुड में तो उनका अपना एक मुकाम है ही है, साथ में वो भोजपुरी में भी उन्होंने कदम रख दिया है। हाल ही में अभी एक भोजपुरी लखनऊ में शक्ति कपूर को पहली बार लॉन्च कर रहे हैं वो भोजपुरी में। मेरे ख्याल से आज तक किसी डायरेक्टर ने, बड़ी कोशिश की लोगों ने शक्ति कपूर को लाने के लिए भोजपुरी में, लेकिन नहीं ला पाए, और दिलीप जी गुलाटी ने ये काम कर दिखाया शक्ति कपूर को भोजपुरी फिल्म में, उनसे भोजपुरी डायलॉग जी अभी और भी कई फिल्म में भोजपुरी में किया। रवि किशन को लेकर बनाए थे, अभी रानी चटर्जी और गौरव झा को लेकर फिल्म बनाए जिसमें शक्ति कपूर जी बॉलीवुड के बहुत मजे हुए कलाकार जिसमें अभिनय किए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। शक्ति कपूर जैसे मान सकते हो भोजपुरी में आज डेट में ले आना है, वैसे किसी के शूटिंग में बॉलीवुड की कोई फिल्म होती है जो शक्ति कपूर जल्दी करते नहीं है, और भोजपुरी में किए हैं तो दिलीप गुलाटी के भाई जो उनका नेचर उसके उनका फेस देख के ये श्रेय उनको जाता उनको है, जाता है। ना कि भोजपुरी के लिए जाता है, उनका उनका रिलेशन ऐसा है बॉलीवुड में तो किसी को भी ला सकते हैं, किसी को भी ला सकते हैं। ये पहली बार मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है कि दिलीप जी गुलाटी भोजपुरी में एक काम कर पाए, अदरवाइज सभी ने प्रयास किया लेकिन कर नहीं कर पाए। हाँ, दूसरी एक और बात आपसे जानना चाहूँगा संजय जी की, आप उनका पीआरओ करते हैं, खेसारी लाल यादव इस समय बिग बॉस में गए हुए हैं, किस प्रकार से आपको इनपुट मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है वहाँ से? एक छोटा सा चीज़ बताना चाहूँगा कि दिलीप गुलाटी जी के आज फंक्शन में हूँ तो मैं दिलीप गुलाटी की ही चर्चा करूँगा और खेसारी लाल की भी चर्चा करूँगा। तो दिलीप गुलाटी जी जब बोले कि मुझे खेसारी लाल को साइन करना है, तो मैं पहली बार दिलीप गुलाटी जी को खेसारी से मिलाया था किसी प्रोग्राम में, और बहुत ही अच्छे तरीके से खेसारी जी ने उनको रिस्पॉन्स दिया और मिला और कमिटमेंट किया कि हम लोग साथ में जरूर काम करेंगे, और मुझे लगता है कि 2020 में वो जरूर साथ में दोनों काम करेंगे। और इस वक्त खेसारी जी बिग बॉस में हैं, मैं चाहता हूँ कि जीत कर आए, विनर हो के आए, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, पूरा यूपी बिहार पूरा पंजाब उनके साथ है, बम्बई तो खड़ा ही है। और खेसारी लाल के बारे में जितनी तारीफ की जाए कम है, मैं कहूँगा कम ही लगेगा। खेसारी लाल एक ऐसे मजे हुए कलाकार हैं जो कि बॉलीवुड में भी कई लोग हैं जो हर कलाकार के गुण गाते हैं, तो भोजपुरी में वो बोलते हैं कि कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनकी तारीफ नहीं की जा सकती, अगर की जाए तो चमचागिरी की करते हैं, लेकिन मैं चमचागिरी नहीं करता हूँ, बाय नेचर अखिलेश जी आप जाइए मैं जाऊँ, ये हमारे कैमरामैन सामने बैठे हैदर भाई, किसी को भी उसी भाव से मिलते हैं जैसे वो लगता है कई सालों से जानते हैं। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे संजय जी कि आपसे कभी उन्होंने चर्चा की हो खेसारी लाल
सलमान के बहुत बड़े फैन रहे, उनको बहुत फॉलो करते थे, और जब वो बिग बॉस में जाने लगे या जाने वाले थे तो आपसे कोई चर्चा हुई बिग बॉस को लेकर कि एक उनका भी एक सपना था कि ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर वो आए? भोजपुरी में तो हालांकि लाखों करोड़ों में ऐसे उनके फैन फॉलोइंग है, लेकिन बिग बॉस में जाना एक बड़ा अचीवमेंट उनके लिए, एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट होगा मेरे ख्याल से उनको, और कैसी कोई चर्चा हुई थी आपसे? सबसे पहले मैं बताऊंगा फैन के बारे में आपने बात की है, तो खेसारी लाल यादव सबसे बड़ा फैन गोविंदा के हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि अगर मैं आज अमिताभ बच्चन का फैन हूँ, मैं एक फ़ोटो खिंचा लेता हूँ, लेकिन अमिताभ बच्चन के पर्सनली लाइफ में कोई घुस जाए, अगर पता कर ले क्या है, तो फिर फैन नहीं होता। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं गोविंदा से नहीं मिलूंगा। गोविंदा और खेसारी लाल के प्रोग्राम अगल बगल था, लेकिन वो नहीं मिले। बोले कि जिस दिन मिल लूंगा ना, अहमियत वो नहीं रहेगी। तो सलमान खान से मिल लिए हैं और उनकी चर्चाएं भी हमेशा होती रहती है, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि भोजपुरी का सलमान खान खेसारी हैं, ऐसे बहुत सारी न्यूज़ें आती रहती है। उन्होंने ये कर दिया, सलमान खान खेसारी साथ में बॉलीवुड फिल्में करेंगे। और रही बात बिग बॉस की, तो खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस में जाने से मना कर दिया, बोले कि मुझे कोई शौक़ नहीं है बिग बॉस जाने के लिए। चलिए आखिरी सवाल चलते हैं। मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, खेसारी लाल ने बोला था, लेकिन हमारे कुछ ऐसे टीम है जो खेसारी लाल तो काम करती है, हम ले कि बिग बॉस में आपको नहीं जाना है, अपने समाज को वहाँ पर लेके जाना है, इस बात को लेकर वो कहें बिग बॉस में जाना उनका बड़े सपना नहीं था कि मुझे बिग बॉस में जाके बहुत बड़ा शोहरत कर लेंगे, क्योंकि आज के डेट में जो बॉलीवुड में कई ऐसे कलाकार हैं जो पेमेंट नहीं मिलता, वो उनको भोजपुरी मिलता है कहीं भी जाते हैं। तो बिग बॉस जाना सपना नहीं था, वो भोजपुरी को रिप्रेजेंट करने के लिए बिग बॉस में गए हुए हैं और जीत के आएंगे, मैं चाहता हूँ। आखिरी सवाल चलते चलते बस संजय जी ये भी जानना चाहूँगा कि शादी का माहौल है ये यहाँ पे और शादी की बात चल रही है, तो मैं समझ गया आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।